देखिए आज तीन बजे के आसपास ये खबर आई कि जेल में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। उसमें हम लोग आकर के हम लोगों ने जांच किया और पाया कि एक व्यक्ति की हत्या की गई है। अनुसंधान के क्रम में हम लोगों ने जो जिसने हत्या को कारित किया है उसकी गिरफ्तारी हम लोग सुनिश्चित उसको हम लोग चिन्हित कर लिए हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। जानकारी क्योंकि अभी हम लोग जो सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे, अभी हम लोग उनके साथ उसके साथ बातचीत हो रही है फर्दर, ताकि इसमें जो इन्वेस्टिगेशन में जो अन्य बिंदु हैं उस पर हम लोग डिटेल से जाँच कर पाए। इसमें सारे जैसे कि उपायुक्त महोदय ने बताया कि इस संबंध में जो भी लैप्सेज हुए हैं या किस कारण से जो भी हुए हैं उस संबंध में एक इंक्वायरी कमेटी ऑलरेडी हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं और एक टोटल जो मजिस्ट्रेट और जेल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस हम लोग मिलकर के इसमें जांच करेंगे। जो प्रथम दृष्टया क्या कारण है? अब प्रथम दृष्टया ये एक हत्या हुई है, हत्या में एक हत्यारा है, हत्यारा को हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है और फर्दर हम लोग इसमें कर रहे हैं। अभी अब तो ये पोस्टमार्टम में आएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक हम लोग के पास नहीं आया। खोखा हम लोगों ने कुछ खोखे बरामद किए हैं, बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है। बाकी सभी इन्वेस्टिगेशन के बाद हम लोग और इसमें फर्दर कुछ भी ऐसा आएगा जो आपके साथ शेयर कर पाए वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। थैंक यू। देखिए बेसिकली यहाँ पर जो अभी वारदात हुई है उसके बाद हम लोगों ने पूरी टीम के साथ अभी जो है सो जेल में छापेमारी की गई है और हमारी टीम अभी भी मौजूद है और सभी तरह के जो हैं जो भी प्रतिबंधित वस्तुएं हैं उसकी जांच की जा रही है। साथ ही साथ जो जिस व्यक्ति के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है पुलिस ने उसकी शिनाख्त कर ली है और FIR करते हुए आगे इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ इस घटना के पूरे जांच के लिए हम लोगों ने एक इंक्वायरी कमेटी जो है एडिशनल कलेक्टर ADM लॉ एंड ऑर्डर और CTSP की टीम हम लोगों ने बनाया है और साथ ही साथ मजिस्ट्रेटल इंक्वायरी के लिए भी हम लोगों ने लिख दिया है। सर अभी तक जाँच में क्या कुछ मिला है? कितने लोग पकड़े गए हैं इसमें? देखिए FIR हम लोगों ने कर दिया है और जिस व्यक्ति ने जो है सो ये वारदात किया है उसकी शिनाख्त हो गई है और उसको भी पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया है। ये धीरे धीरे जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके आपको बताएगी। अभी जो जिस व्यक्ति ने गोली चलाया था उसको शिनाख्त करते हुए उसके जो ले लिया गया है गिरफ्त में। किसके द्वारा चलाई गई है सर? वो जो है अभी हम लोग उसको रखे हैं, आगे उसको बताया जाएगा इन्वेस्टिगेशन के बाद। क्या चीज़ उसमें कोई और लोग शामिल थे कि अकेले था वो? देखिए बेसिकली वो तो इन्वेस्टिगेशन में आगे आएगा जब FIR लॉन्च कर दिया गया है। पुलिस अभी उसको लेकर के इन्वेस्टिगेशन करेगी और पूछताछ के क्रम में आगे पता चलेगा कि किस किस का सहयोग लिया गया था इस चीज़ में और जो भी दोषी व्यक्ति होंगे इवन अगर जेल के भी कोई कर्मी या पदाधिकारी होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। हथियार की खोज की जा रही है, हमारी टीम जो है वो पूरी तरह से सर्च कर रही है और जल्द ही मिल जाएगी। कितने खोखे बरामद हुए? कुछ एक खोखे बरामद हुए हैं, डिटेल्स जो आपको है वो पुलिस की टीम दे देगी। उनकी जो फॉरेंसिक टीम है वो सभी यहाँ पे आई हुई है, सभी जो है एविडेंसेस को जो है वो कलेक्ट किया गया है उनके द्वारा। 3 दिन पहले जेल में निरीक्षण भी हुआ था? 1 सप्ताह पहले हम लोगों ने जेल में रेड किया था और उस समय हम लोगों ने पूरी तरह से जो है वो जाँच भी किया था और हम लोगों ने इंश्योर किया था कि किसी भी तरह का कोई भी जो है सो प्रतिबंधित चीज़ नहीं मिले। ये जो घटना हुई है बहुत ही जो है दुर्भाग्यपूर्ण है कि जेल में इस तरह की वारदात हुई है और आगे से हम लोग इंश्योर करेंगे जहाँ भी जो भी लैप्सेस हुए हैं उन सभी लैप्सेस को हमारी इंक्वायरी कमेटी जो है वो चेक करेगी कि कहाँ पे क्या लैप्सेस हुए हैं और जो भी लोग हैं जो जिनके कारण ये लैप्सेस हुए हैं उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही सामने आ रही है? देखिए अभी तो हम लोगों का प्राइमरी फोकस जो था वो जेल में जो है शांति व्यवस्था को कायम रखने का था और साथ ही साथ जो वहाँ पे जो अभी हम लोगों का सर्च का चल रहा है उस पर है और साथ ही जिनके द्वारा वारदात किया गया उसको चिन्हित करने का है, तो इन सभी चीज़ों पे हम लोग किए हैं और आने वाले समय में जो है सो जो टीम है वो इसको डिटेल में जाएगी, चेक करेगी और उसके बाद हम लोग जो है आप लोग को बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।